ब्रिटेन के भावी सम्राट की एक झलक दुनिया के कई देशों में लोगों ने देखी। अस्पताल से महल रवाना होने से पहले शाही दंपति अपने बच्चे के साथ मीडिया के सामने आए। इस दौरान बच्चे को गोद में लिए मिडिल्टन ने अस्पताल के बाहर मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। केट मिडिल्टन ने लंदन के सेंट मेरी अस्पताल के लिंडो विंग में बेटे को जन्म दिया। इस मौके पर शाही दंपति ने कहा कि ये उनके लिए बेहद भावुक पल है, अब वो अपने बच्चे के नाम के बारे में सोच रहे हैं। ब्रिटेन के भावी सम्राट का नाम फिलहाल नहीं रखा गया है, लेकिन उसे प्रिंस ऑफ कैम्ब्रिज के तौर पर जाना जाएगा। नवजात राजकुमार अपने दादा और पिता के बाद राजगद्दी के तीसरे नंबर के दावेदार हैं। सम्राट बनने में नवजात राजकुमार को 50 वर्ष लग सकते हैं। सलमान खान की आज मुश्किल बढ़ सकती है। 2002 के हिट एंड रन केस के सिलसिले में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान पर आज आरोप तय करने का फैसला किया जाएगा। आज सलमान खान को भी कोर्ट में पेश होना होगा। नई धाराएं जोड़े जाने के बाद इस केस की नए सिरे से सुनवाई शुरू हुई थी। 24 जून को मुंबई की एक अदालत ने सलमान खान को बड़ा झटका दिया था। 2002 के हिट एंड रन मामले में उनके पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए कहा था कि सलमान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस चलेगा। अगर सलमान दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है। सलमान ने 28 सितंबर 2002 को मुंबई के उपनगरीय इलाके बांद्रा में फुटपाथ पर सोए लोगों पर अपनी कार चढ़ा दी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मूसलाधार बारिश ने मुंबईकरों का जीना मुहाल कर रखा है। लगातार बारिश ने बीएमसी की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। बारिश की शुरुआत में ही मुंबई का ये हाल है। सड़कों पर भरे पानी के गड्ढों ने मुंबई की रफ्तार को सुस्त कर दिया है। बारिश से बेहाल हो गई है मुंबई, लेकिन मौसम विभाग अगले 24 घंटे में बारिश की चेतावनी दे रहा है। हिंदवाता, जुहू, करेल, अंधेरी, कुर्ला और एल्फिस्टन समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। दरिया बनी हुई सड़कें मुंबई का हाल बयां कर रही हैं। लगातार हो रही बारिश से बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किलें हो रही हैं, तो वहीं लोग अपने ऑफिस तय वक्त पर नहीं पहुंच पा रहे। जाहिर है मुंबई में बारिश बन गई है मुसीबत। दिल्ली में News24 की खबर का हुआ असर। बाइकर्स पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुड़दंग करने वाले बाइकर्स का काटा गया चालान। बाइकर्स ने मचा रखा था हुड़दंग। दिल्ली के वीआईपी इलाके में रात को किया करते थे स्टंट। दिल्ली में जगह जगह मुस्तैद नजर आई पुलिस। बाइकर्स में दिखा पुलिस का डर। सोमवार की रात बाइकर्स ने मचाया था हुड़दंग। दिल्ली में बीती रात आला अधिकारियों की फौज दिखी, साथ ही जगह जगह पर पुलिस की दिखी बैरिकेडिंग। इंडिया गेट के सर्कल पर नई दिल्ली के डीसीपी SBS त्यागी खुद तैनात खड़े थे। वहीं पुलिस ने कुछ बाइकर्स को हिरासत में भी लिया। बिहार के समस्तीपुर जिले के पेठिया गाछी इलाके में एक सरकारी स्कूल का बुरा हाल है। पूरा स्कूल एक कमरे में ही चलता है। स्कूल के कमरे में ना तो रोशनी है और ना ही हवा। बच्चे जैसे तैसे स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। स्कूल के एक ही कमरे में करीब 400 बच्चों का पूरा स्कूल चलता है, जहां देश के नौनिहालों की जिंदगी के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूल की हालत यह है कि बच्चे बेंच के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। खिड़कियों पर बैठकर पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन स्कूल की सुध लेने वाला कोई नहीं है। स्कूल में छात्र जैसे तैसे मजबूर होकर पढ़ रहे हैं, लेकिन नीतीश के सुशासन में इस स्कूल की किसी को फिक्र नहीं है। हिसार के राजकीय उच्च विद्यालय फ्रांसी में आयरन की गोलियां खाने से 200 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। बच्चों को आनंद फानंद ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुड़गांव के उच्च विद्यालय सिकंदरापुर में भी ताकत देने वाली आयरन की गोलियां पड़ी सेहत पर भारी। गोलियां खाने के बाद 1.5 घंटे में बिगड़ी मासूमों की तबीयत। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा बच्चों को खाना खिलाने के बाद अस्पताल की गाइडलाइन के मुताबिक ही दी गई थी दवाई। डॉक्टरों ने भी कहा जरूरी नहीं कि आयरन की गोलियों की वजह से ही तबीयत बिगड़ी हो। केरल के संस्कृति मंत्री केसी जोसेफ ने राज्य में कुपोषण की दर कम न होने पर दिया विवादास्पद बयान। मंत्री ने कहा मां का शराबी होना है कुपोषित बच्चे पैदा होने की वजह। केरल के अट्टापड़ी में पीएम के प्रधान सचिव टीके नायर लेने गए हैं नवजात बच्चों की मौत का जायजा। 18 महीने में 42 आदिवासी बच्चों की हुई है मौत। लखनऊ के कैंट इलाके में मिट्टी का एक ऊंचा टीला गिरने से टीले के नीचे दबे 6 गांव वाले, मिट्टी में दबा एक शख्स बाहर निकला और बाकी गांव वालों को दी हादसे की सूचना।
लखनऊ के कैंट इलाके में मिट्टी का एक ऊंचा टीला गिरने से टीले के नीचे दबे 6 गांव वाले, मिट्टी में दबा एक शख्स बाहर निकला और बाकी गांव वालों को दी हादसे की सूचना। आनन फानन में पुलिस और सेना के अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से किया रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू, एक को गंभीर हालत में पहुंचा अस्पताल तो 3 की मौके पर ही हुई मौत। लखनऊ में एक दीवार ढहने से 3 लोगों की हुई मौत, लाशों के भिलक भिलक कर रोए परिवार वाले, प्रशासन ने कहा प्राथमिकता नीचे दबे लोगों को निकालना। जयपुर पुलिस मुख्यालय ने आईजी अपना आपा उस वक्त खो बैठे जब बाल अधिकार संरक्षण की टीम और पुलिस आईजी साहब के घर पर काम कर रहे 2 नाबालिग मासूमों को मुक्त कराने पहुंची। आईजी साहब ने मासूमों को बच्चों को रेस्क्यू करने पहुंची पुलिस टीम से जमकर गाली गलौज की और इतना ही नहीं आईजी साहब ने बच्चों को छुड़ाने आए बाल अधिकार की टीम के सदस्यों के साथ मारपीट भी की। दिल्ली में पुलिस ने एक सीए को गिरफ्तार किया है, उस पर अपने मालिक को 10 करोड़ का चूना लगाने का आरोप। जालसाज दिल्ली के एक ज्वेलरी शोरूम में सीए का काम देखता था और कुछ ही दिनों में बेहिसाब संपत्ति का मालिक बन गया। ज्वेलर्स के नाम से फर्जी अकाउंट खोलकर सीए ने करीब 10 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए और फिर इन्हीं पैसों से करीब 4 गाड़ियों और बेहिसाब संपत्ति का मालिक बन गया। लखनऊ पुलिस के हत्थे चढ़ा मनचला, फर्जी कॉल करके करता था औरतों को परेशान, अब तक 23 महिलाओं को कर चुका है कॉल कर परेशान। ये मनचला करता था दूसरी औरतों को परेशान, शिकायत मिलने पर पुलिस ने की कार्रवाई, मौके से पुलिस ने मोबाइल सहित कई फर्जी सिम कार्ड किए जब्त। गीतांजलि के परिवार वालों की मांग पर गीतांजलि मर्डर केस की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। गीतांजलि के पति रवनीत कर पर उनके हत्या का आरोप लगा है। रवनीत से गुड़गांव पुलिस पूछताछ कर रही है, पूछताछ के बाद भी पुलिस कुछ खास नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। गीतांजलि मर्डर केस में गीतांजलि के परिवार वालों ने सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की, जिसके बाद सीएम ने मामले की जांच का आश्वासन सीबीआई से कराने के लिए दिया था। गीतांजलि मर्डर केस में सीजेएम रवनीत गर्ग और उनके भाई नवनीत गर्ग से हुई पूछताछ, पुलिस को घटना से जुड़ी तीसरी बुलेट भी मिली है। पुलिस ने पहले बरामद किए 2 कारतूस बैलिस्टिक जांच के लिए भेजा। सातवें दिन में गुड़गांव के गीतांजलि मर्डर केस में पुलिस के हाथ खाली है, मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में जुटी पुलिस, मौका वारदात की मिट्टी छान रही है। मोदी का विरोध करने वालों की तादाद में कमी नहीं आ रही है, 65 सांसदों ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी वीजा नहीं दिए जाने की अपील राष्ट्रपति ओबामा से की है। सांसदों ने ओबामा से पत्र लिखकर पूछा है कि क्या उनकी सरकार ने मोदी को लेकर अपनी नीति में बदलाव किया है, जिसे 2002 के सांप्रदायिक दंगों समेत कई मामलों में न्यायालय ने दोषमुक्त नहीं किया है। चिट्ठी में सीपीआई सांसद सीताराम येचुरी के भी साइन है, लेकिन येचुरी का कहना है कि उन्होंने ऐसी किसी चिट्ठी पर साइन नहीं किया। अमेरिकी सरकार ने मानवाधिकार उल्लंघन के आधार पर मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने अमेरिका के इस कदम को सही माना था। अमेरिका की यात्रा पर गए राजनाथ सिंह ने मोदी के वीजा को लेकर पहल करने की बात कही थी, साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई थी कि अमेरिका जल्द ही मोदी के वीजा पर लगे प्रतिबंध को हटा देगा। विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया जिम्बाब्वे से करेगी 2-2 हार, हरारे में है आज सीरीज का पहला वनडे। कोहली के कंधों पर युवा टीम के साथ सीरीज जीतने का दबाव होगा, जिम्बाब्वे दौरे पर होगी यंगस्तान की अग्नि परीक्षा। परवेज रसूल पहली बार जिम्बाब्वे दौरे पर बने हैं टीम इंडिया का हिस्सा, मोहित शर्मा को भी पहली बार टीम में दिया गया है मौका, जयदेव उनादकान के लिए भी होगा नया अनुभव। जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया के 7-8 नए प्लेयर्स, 3 खिलाड़ी पहली बार करेंगे अंतर्राष्ट्रीय करियर का आगाज। जिम्बाब्वे दौरे में टीम इंडिया को खेलना है 5 मैचों का वनडे सीरीज, टीम पर है 2010 में मिली हार का बदला चुकाने की चुनौती। टीम इंडिया के पेस बैटर अशोक जिंदा ने अपनी निजी जिंदगी की नई पारी की शुरुआत की है, कोलकाता में अपने मंगेतर श्रेयसी रुद्र को बनाया जीवन साथी। हुगली के चिंसुर में अशोक जिंदा की बंगाली रीति रिवाज से हुई शादी, शादी में पहुंचे मनोज तिवारी सहित कई नामचीन हस्तियां। अशोक जिंदा की पत्नी पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर और श्रेयसी हैं क्रिकेट की बड़ी फैन। जिंदा ने आईपीएल के दौरान ही श्रेयसी से शादी करने का किया था फैसला, धूमधाम से हुई अशोक जिंदा की शादी। टीम इंडिया के पेस बैटरी आज देंगे शादी का रिसेप्शन, कई नामचीन हस्तियों के पहुंचने के आसार।
चीन में थम नहीं रहा भारी बारिश का तांडव। लगातार बारिश से चीन के कई इलाकों में भारी तबाही, लोगों का जनजीवन हो गया है अस्त व्यस्त। चीन के दक्षिण पश्चिम इलाकों में भारी बारिश से भूस्खलन हो रहा है, जिससे वहां के लोगों में दहशत का माहौल है। लोग अपना घर छोड़ने को हो रहे हैं मजबूर। बारिश की वजह से चीन में पिछले 9 जुलाई को भी भूस्खलन की घटना हुई थी। रविवार को एक बार फिर भूस्खलन की घटना से लोगों की नींद उड़ी हुई है। भारी बारिश से सड़कें टूट रही हैं, जिससे कई इलाकों का संपर्क टूट रहा है, जिससे वहां के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना भी मुश्किल हो रहा है। लगातार हो रही बारिश से चीन के कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। पानी सड़क से लोगों के घरों तक घुस रहा है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से बीमार चल रहे मनोज कुमार के जन्मदिन पर ही गॉल ब्लैडर में परेशानी के चलते होगी सर्जरी। भारतीय फिल्म जगत के सदाबहार अभिनेता मनोज कुमार हाल ही में खराब तबीयत के चलते मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हुए हैं। गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता मनोज कुमार का आज 76वां जन्मदिन है। 24 जुलाई 1937 को अविभाजित भारत के एबटाबाद में हुआ था जन्म। भारत कुमार नाम से जाने जाने वाले मनोज कुमार ने फिल्मी जगत को दी कई देशभक्ति से भरी फिल्में। 1992 में मिला था पद्मश्री पुरस्कार। मनोज कुमार को उनके चाहने वाले पत्थर के सनम, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा मकान जैसी फिल्मों के लिए अपने दिलों में आज भी बसाए हुए हैं। कांग्रेस विधायक बाबा सदकी की पार्टी में सलमान और शाहरुख के गले मिलने पर बॉलीवुड के दिग्गज फिल्मकार महेश भट्ट ने दोनों अभिनेताओं को दी बधाई। कहा, देश को दिया संदेश, मतभेदों से भी उबरा जा सकता है। अमेरिका रैपर पिटबुल के साथ एक म्यूजिक वीडियो में परफॉर्म करने को लेकर प्रियंका इन दिनों अपने पहनावे और गाने के शब्दों को लेकर विवाद में है। पिटबुल के साथ अपने म्यूजिक वीडियो के रिलीज के बाद से लोगों के निशाने पर आ गई अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि उन्हें उनकी कोई परवाह नहीं, जो नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हैं। इंटरनेशनल गाने पर परफॉर्म करना मेरे लिए एक नई चीज है। फिल्मकार विशाल भारद्वाज और संजय लीला भंसाली एक ही किताब पर बनाएंगे दो महिला गैंगस्टर्स पर फिल्म। एसएसएन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर बनाएंगे फिल्म। कुछ महीनों पहले कैंसर की सर्जरी करवाने के बाद न्यूज 24 के पास आई अभिनेत्री मनीषा कोइराला की तस्वीरें। कुछ ही दिनों पहले करवाया था कैंसर से उबरने के लिए घर में महापूजा का आयोजन।